इफ्तेखार हुसैन साहब की रिहायशगाह पर आप सबका इस्तकबाल है। एक बहुत अच्छा खुशगवार मौका हम सबको जनाब इफ्तेखार ने यहाँ पे मुहैया किया है कि उर्दू की एक अजीम शख्सियत, उर्दू जबान और अदब की एक बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत से हमें मिलने का मौका, उनके ख्याल, उनकी शायरी, उनके अफकार, इफ्तेखार को सुनने और उनसे करीब होने का थोड़ा सा हमें मौका मिला है। और ये हैदराबाद की अदबी और सकाफती या तहजीबी सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत हिस्सा है आपकी मौजूदगी। ये सेल फोन बंद कर दो, आप जो वाइब्रेशन साइलेंट पे इस आप जानते हैं कि सेल के बाद बहुत ही गलत वक्त में बचता है और गलत अंदाज में बचता है, जिसके पास थोड़ी देर के लिए हमारी गुफ्तगू में भी और समातों में भी फर्क पैदा करता है। इसके लिए मैं उससे पता चलता है कि आपका कैसा नेटवर्क है।
पहुँच, इसकी पहुँच के ताल्लुक से दो राय नहीं है माशाल्लाह, बेहद शुक्रिया। मैं इफ्तेखार हुसैन साहब की जानिब से आप सबका खैर मुकदम करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये अर्ज कर रहा था आपसे कि प्रोफेसर करीम आजिज साहब, डॉक्टर करीम आजिज साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और ये बड़ी खुशनसीबी है हम अदब नवाजों की कि एक बहुत बड़े मुफक्किर, एक उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर और एक बहुत बड़े अदीब से दरख्वास्त से हमें मिलने और उनकी सोच समझ, उनकी फिक्र और उनकी शायरी को करीब से सुनने और उनसे मिलने और उनकी आरा को हम तक पहुँचने का एक मौका जनाब इफ्तेखार हुसैन साहब ने मुहैया किया है। मैं इनका दिल की गहराई से मशकूर और ममनून हूँ और साथ ही यकीनन ये भी हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर डॉक्टर करीम आजिज साहब को सुने और उनसे उनके कलाम के अलावा उनसे गुफ्तगू भी हो, अदब पर गुफ्तगू हो। और लेकिन उससे पहले मैं यकीनन ही चाहूँगा कि जो यहाँ पर शोरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो हैदराबाद में हो रहे शहरी सफ़र पर एक तरह से उनको कुछ मगफ़रत का एहसास दिलाएं और ये अंदाज़ा होने के हैदराबाद में किस तरह से पूरे कुतुब शाह के दौर से आज तक शायरी किस तरह से रवानवा है और किस रफ्तार से चल रही है और किस तरह से यहाँ पर उसकी हौसला अफजाई भी हो रही है और तब्दीलियाँ और जो कुछ भी हालात में उर्दू अदब में जो नए नए अफकार आए हैं उसका किस तरह से हैदराबाद में उसका एहसास किस तरह से पल रहा है और साथ ही साथ के हैदराबाद के शायरों का जो लहजा है, जो सोच और फिक्र है, वो कहाँ तक और किस अंदाज में उर्दू अदब की खिदमत कर रही है, इसका अंदाज़ा भी प्रोफेसर कलीम आजिज साहब को हो सके, इसकी हमारी ख्वाहिश है। और यकीनन मैं बिना किसी तकदीम व तकलीफ के चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब की इजाज़त से इस महफिल शेर का आगाज़ हो। यहाँ पर बहुत मुख्तसर, आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि जो शोरा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है उनमें सबसे बड़ा मुक्तदी मैं खुद हूँ, तो मैं खुद अपने आप से आगाज़ करना चाहूँगा। अगर मुक्तदी के साथ भी बड़ा अलग के नया डायमेंशन दे दिया। मुझे हैरत है कि मेरी आवाज, बरसों तक मैं अपनी आवाज पहुंचाता रहा हूं लेकिन अब मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझे इस पर हैरत नहीं है। हालात में बहुत कुछ आवाजों का असर ये है। ये सन्नाटा फजा में जो खड़ा है, ये सन्नाटा फजा में जो खड़ा है हवाओं की शिकायत कर रहा है, ये सन्नाटा फजा में जो खड़ा है हवाओं की शिकायत कर रहा है और दरो दीवार पर बाहर चमक है, दरो दीवार पर बाहर चमक है, मका अंदर से लेकिन रो रहा है। दरो दीवार पर बाहर चमक है, दरो दीवार पर बाहर चमक है, मका अंदर से लेकिन रो रहा है। पता है कि तन्हाई एक सजा है गमे यार के बगैर, तन्हाई एक सजा है गमे यार के बगैर, आवारगी है कोचे दिलदार के बगैर। तन्हाई एक सजा है गमे यार के बगैर, आवारगी है कोचे दिलदार के बगैर, असलम न जाने क्या हुआ मुझको पता नहीं, असलम न जाने क्या हुआ मुझको पता नहीं, बैठा हुआ हूँ साये दीवार के बगैर। तन्हाई एक सजा है गमे यार के बगैर, आवारगी है कोचे दिलदार के बगैर, असलम न जाने क्या हुआ मुझको पता नहीं, बैठा हुआ हूँ साये दीवार के बगैर, बैठा हुआ हूँ साये दीवार के बगैर। और एक कथा और, के सांसों का चलना है पल पल, सांसों का चलना है पल पल,
मौत से मिलने का क्यों हम, सांसों का चलना है पल पल, मौत से मिलने का क्यों हम, आए हैं तो जाना होगा, आए हैं तो जाना होगा, आखिर ठहरे मेहमान हम, सांसों का चलना है पल पल, मौत से मिलने का क्यों गम, आए हैं तो जाना होगा, आखिर ठहरे मेहमान हम। एक गजल के चंद शेर अगर इजाजत दें, मतलब अर्ज किया है कि गम की दौलत एक सौगात, गम की दौलत एक सौगात, गम की दौलत एक सौगात, लेकिन है किस्मत की बात, गम की दौलत एक सौगात, लेकिन है किस्मत की बात, तन्हाई और काली रात, तन्हाई और काली रात, निकली यादों की बारात, तन्हाई और काली रात, निकली यादों की बारात, और ऐसे ही बस उम्र कटी, ऐसे ही बस उम्र कटी, साथ रही दिन में भी रात, बस ऐसे ही उम्र कटी, साथ रही दिन, ऐसे ही बस उम्र कटी, साथ रही दिन में भी रात, और ये शेर के गर्मी में जो राहत पाई, गर्मी में जो राहत पाई, रहमत उसकी है बरसात, गर्मी में जो राहत पाई, रहमत उसकी है बरसात, और हमने जो कुर्बानी दी, हमने जो कुर्बानी दी, भूल गए क्या सब खिदमत, हमने जो कुर्बानी दी, भूल गए क्या सब खिदमत, और आने वाले हैं क्या चुनाव, ये शेर खासतौर पे तवज्जो का तालिब है कि आने वाले हैं क्या चुनाव, आने वाले हैं क्या चुनाव, करते हो उर्दू में बात, आने वाले हैं क्या चुनाव, करते हो उर्दू में बात, आने वाले हैं क्या चुनाव, करते हो उर्दू में बात, और ये शेर कि मैं तो रुका था बस पल भर को, मैं तो रुका था बस, मैं तो रुका था बस पल भर, मैं तो रुका था बस पल भर, तुम क्या समझे, हो गई मात।